ये शहरों का सन्नाटा बता रहा है, इंसान ने कुदरत को नाराज बहुत किया है। आज के व्लॉग की ना तब तक शुरुआत नहीं करूंगा जब तक वीडियो को लाइक नहीं करोगे। अक्सर आप ऐसा ही करते हो, वीडियो देख लेते हो पूरी और लाइक करते नहीं हो, तो पहले लाइक करो फिर ही आगे बढ़ेंगे। चेहरा मत देखो, लाइक का बटन प्रेस करो, हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। कल रात को ना मैं सो रहा था तो अचानक से ऊपर से ये वाले दो फ्रेम आ गिरे, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, लाइट का वेट हो गया था थोड़ा ज़्यादा, और पीछे की जो ये जो डबल साइडेड टेप लगी हुई है इसकी जो पकड़ है वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, तो ये दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको। तो लगभग 4-5 महीने हो गए इसको लगाई हुई को, तो इसलिए इसकी जो टेप की जो पकड़ है वो थोड़ी सी लूज होगी, इसकी वजह से ये फ्रेम क्या है गिरना स्टार्ट हो गए हैं, तो इनको दोबारा से डबल साइडेड टेप से अपने पेस्ट करेंगे। बिल्कुल इसकी पकड़ लूज़ हो चुकी है, तो ये देखो बिल्कुल चिपक ही नहीं रही है, तो इसकी वजह से क्या है फ्रेम नीचे आ गिरा। तो अब टेप लगा दी है दोबारा से नई वाली और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस तरीके से। इसको बोलो अब गिर के दिखा, अब नहीं गिरेगा। ये भाई साहब यहाँ से आके गिरे हैं रात को, तो एकदम से सो रहा था तो नींद भी खुल गई इसकी आवाज़ से। इसका भी यही सीन है, यहाँ से टेप बिल्कुल लूज़ हुई पड़ी है, तो इसको दोबारा लगाएंगे। और इसका क्या करें, अब इसको दोबारा लगाना पड़ेगा, तो फटाफट से इसको लगा के इसको करते हैं ऑन। रेडी सेट एंड गो। फिर से वही उजड़ी हुई दीवार को हमने चमन बना दिया। अभी ना फिलहाल जो पॉल्यूशन का इंडेक्स है वो दिन बर दिन गिरता जा रहा है। जो यमुना नदी आज से पहले मृत घोषित कर दी गई थी उसके अंदर भी अब लगने लगा है कि जीवन उसके अंदर वापस से पनप रहा है, क्योंकि उसका जो पानी है वो फिर से साफ होता जा रहा है। इंडस्ट्रीज वगैरह अभी बंद पड़ी हैं, तो सारी नदियों का जो पानी है वो दिन बर दिन साफ होता जा रहा है। एनडीसी के साथ हमारी जो होली रिवर गंगा है उसमें भी कंडीशन ये है कि अगर उसमें अपन सिक्का उछालते हैं तो पानी के अंदर जब वो जाके गिरता है तो जमीन पे वो दिखाई देता है ऊपर से, इतना क्लियर पानी हो चुका है। सड़कें बिल्कुल साफ पड़ी है, हर तरफ बिल्कुल साफ सफाई है, कोई कचरा नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, और वो सब इस वजह से क्योंकि हम पड़े हैं अपने घरों के अंदर। वैसे ना हम इन चीजों को डिजर्व नहीं करते, क्योंकि अब जैसे ही लॉकडाउन बंद होगा उसके बाद की कंडीशन देखिएगा तो ये जो चीजें जितनी भी सही हुई हैं वो पहले से भी ज्यादा बदतर हो जाएंगी, क्योंकि हमें ना अपनी नेचर का ख्याल रखना नहीं आता। हर चीज का टाइम आता है, जब किसी चीज का टाइम बुरा चल रहा हो तो उसका अच्छा टाइम भी आता है, और जिसका अच्छा चल रहा हो उसका बुरा भी आता है, तो यही हम पे भी लागू हुआ। तो जितना हो सकता था हमने इस अर्थ को पॉल्यूट किया, करते गए करते गए करते गए, और एक हद जब हमने पार कर दी, नेचर ने हमें बता दिया कि तुमसे बढ़कर भी कुछ है, अगर तुम मेरा ख्याल नहीं रखोगे तो तुम्हें घर के अंदर बंद होना पड़ेगा। साला कभी कभी तो लगता है कि चैनल का नाम ना चेंज करके आस्था या संस्कार कर देता हूँ। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। क्योंकि पिछले 10-20 दिनों से ना इतनी ज्ञान की बातें किए जा रहे हैं, तो माइंड भी ना उसी तरीके से सेट हो गया है। फिलहाल तो खेल रहे GTA 5, और काफ़ी टाइम फ्री बैठा था तो सोचा गेमिंग कर लेते हैं थोड़ा। अब करवाएं यहाँ से जंप। शाबाश, डबल फ्लिप। गाड़ी की कंडीशन देखो, अपनी जो तमन्नाएं हैं ड्राइविंग की वो यहाँ पे पूरी की जा रही हैं। अब जंप करवाएंगे मस्त सी एक, कहाँ से जगह नहीं मिल रही, कोई मस्त सी जगह मिले ना। ओ भाई ये सही था यार, मौत का कुआ, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ से गाड़ी निकालना मतलब एक टास्क है, देखते हैं अपन पूरा कर पाएंगे या नहीं। आधा टायर ऊपर चढ़ गया,
टच नहीं होनी चाहिए दीवार को, ना ही पानी में गिरनी चाहिए। गई 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 भाई गई गई गई। ये क्या हुआ? हो गया टास्क। जब भी GTA खेलता हूँ ना, अक्सर यही होता है मेरे साथ। टाइम का पता ही नहीं चलता, कब टाइम चला जाता है। तो देखते देखते कब 10 बज गए पता नहीं चला। एंड अभी तो वीडियो एडिट भी करने वाला पड़ा है, सारा काम पेंडिंग है। तो अभी मैंने जैसे ही घड़ी की तरफ देखा तो पता चला भाई साहब टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, अब छोड़ दे। तो जस्ट अभी मैंने पीछे चल रहा है गेम, तो वीडियो वगैरह एडिट वगैरह करके रेंडर करके अपलोड करके उसके बाद फिर दोबारा उसे कंटिन्यू करूँगा। सो 19वां दिन था हमारा, अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बचे हैं पूरे 2 दिन अपने चैलेंज के। यार खेलते खेलते ना पता ही नहीं चला कि अभी वीडियो शूट भी करना है और 10 बज रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। स्टार्टिंग में भी कहा था और अब दोबारा कह रहा हूँ कि यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा लेते हुए जय हिंद जय भारत।